के लिए आकर्षित करने की बात करें तो साउथ फुकवोक समुद्र तट ठंडे साफ पानी और बेहद महीन सफेद रेत के साथ सबसे अलग दिखता है। यदि आप हिलती लहरों और हवा के साथ एक बिल्कुल सुंदर समुद्र तट ढूंढना चाहते हैं तो साउथ फुकवोक समुद्र तट पर जाएं और 6000 BND के लिए एक धूप सेंकने वाली कार किराए पर लें, 3000 BND के लिए एक ताजा नारियल का ऑर्डर करें, फिर लेट जाएं और पूरे दिन बिना मिले समुद्र को देखें। हुआ हुआ, वियतनाम का यह सबसे खूबसूरत समुद्र तट फुकवोक की यात्रा के दौरान वास्तव में शांतिपूर्ण पल बिताने के लिए एक बेहद उपयुक्त जगह है। अपनी छुट्टियों का आनंद लेने के लिए समुद्र तट आपके लिए स्वर्ग क्यों है? लंबे हल्के अर्धचंद्राकार सफेद रेत वाले समुद्र तट के साथ, जो समुद्र में उभरी हुई चट्टानी हेडलैंड और पूरे साल साफ नीले समुद्र के पानी से घिरा हुआ है, साउथ समुद्र तट काव्यात्मक जंगली सुंदरता के साथ एक पर्यटक क्षेत्र बन गया है। एक बात जिसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं वह यह है कि साउथ समुद्र तट फील्ड में स्थित है, इसलिए यदि आप तस्वीरें लेने आते हैं तो सुबह जल्दी आएं या दोपहर के समय आएं। इस बार स्नान करने वाले भी कम लोग हैं और तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं। यदि आप स्नान करना चाहते हैं तो दोपहर 3 बजे के बाद इसे छोड़ दें। साउथ फुकवोक समुद्र तट देश के दक्षिण में है, रोंग शहर के केंद्र से लगभग 22 किमी दूर है। आप यहां मोटरसाइकिल या किसी अन्य साधन से जा सकते हैं। यदि आप समुद्र तट प्रेमी हैं तो फुकवोक के साउथ बीच को देखना न भूलें। किसी ने एक बार कहा था कि फुकवोक साउथ समुद्र तट की वह कारण है जिसके कारण लोग फुकवोक आते हैं। यह बहुत प्रसिद्ध नाम नहीं है, वास्तव में वियतनाम के इस सबसे खूबसूरत समुद्र तट के कई अन्य नाम हैं, जैसे कि क्वीन मून बीच, क्वीन मून सिटी बीच, क्वीन मून मून बीच और भी बहुत कुछ। यदि आप जानते हैं कि यहाँ कई खूबसूरत समुद्र तट हैं, मध्य वियतनाम में यह समुद्र तट भी उन नामों में से एक है जिन पर कई पर्यटक आते हैं। क्वीन मून पारदर्शी समुद्र तट का निर्माण सैकड़ों साल पहले हुआ था। प्रकृति ने विंध्य दिन प्रांत में क्वीन मून समुद्र तट का निर्माण किया, जो एक काव्यात्मक अर्धचंद्र की तरह दिखता है जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। शहर के केंद्र में स्थित समुद्र तट अर्धचंद्र की तरह घुमावदार है, जिसमें 5 किमी तक हल्की सुंदरी रेत फैली हुई है। सैकड़ों साल पहले कविता और संगीत इस प्रसिद्ध केंद्रीय तटीय शहर में लोगों का गौरव थे। वाइट राउंड फुकवोक, आम तौर पर फुकवोक जाते समय लोग केवल यह देखते हैं कि कहां चेक इन करना है। खूबसूरत तस्वीरों के बिना आभासी तस्वीरें लेने से मजा खराब हो सकता है। वाइट राउंड फुकवोक द्वीप के पश्चिमी किनारे पर स्थित एक समुद्र तट है, जो फुकवोक द्वीप के दक्षिणी द्वीप समूह में स्थित एक बहुत बड़ा द्वीप है, लेकिन कहा जाता है कि यह द्वीपों का एक द्वीप है और यह द्वीप इतना बड़ा है कि इसे एक द्वीप के रूप में बनाया गया है। कम्यून और माननीय कम शहर कहा जाता है। हाल ही में वाइट राउंड को वियतनाम के सबसे खूबसूरत समुद्र तटों में से एक माना जाता है। वाइट राउंड जाने के लिए आपको हुई फ्रॉम द्वीप जाने के लिए एक केबल कार टिकट खरीदना होगा। केबल कार टिकट सैंड गोल्ड द्वारा एनकोई टाउन स्टेशन पर बेचे जाते हैं और फिर केबल कार आपको एनकोई शहर से उड़ान भरने के लिए ले जाती है। माननीय टॉम, टिकट लेने और लगभग 20 मिनट तक केबल कार लेने के बाद आप द्वीप के केंद्र में गुनक्रॉम स्टेशन पर पैर रखेंगे, फिर अपने ठीक सामने बाईसाव समुद्र तट तक पहुंचने के लिए थोड़ा नीचे चलेंगे। दरअसल जब आप केबल कार के केबिन में बैठे थे तो अपनी दाहिनी ओर देखने पर आपको एक खूबसूरत सफेद रेत वाला समुद्र तट दिखाई दिया जिसका मुख्य द्वीप ट्राउ बीच है। माइक के बीच दानांग की बात करें तो उन जगहों में से एक जिसे आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते वह माइक है। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा वोट किए गए ग्रह के 6 सबसे आकर्षक समुद्र तटों में से एक दानांग का माइक के अपने लंबे चिकने सफेद रेत वाले समुद्र तट के लिए प्रसिद्ध है। हल्की समुद्री लहरें और साल भर नम पानी, विशेष रूप से चारों मौसमों में सुंदर प्रकृति के साथ यहाँ की विविध पर्यटन सेवाएं भी तटीय शहर माइके में आने वाले पर्यटकों के लिए एक गर्म स्थान है। न केवल पर्यटकों को समुद्र तटों को बदलने के लिए आकर्षित करती है साफ नीले रंग में सबसे सुंदर स्नान क्षेत्र समुद्र, बल्कि अपनी समृद्ध और विविध पर्यटन सेवाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। यही कारण है कि पूरे वर्ष यह स्थान अनुभव और अन्वेषण के लिए बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह कहना गलत नहीं है कि माइके बीच वियतनाम के सबसे खूबसूरत समुद्र तटों में से एक है। हालांकि यदि आप समुद्र प्रेमी हैं तो आप माइके के सबसे सुंदर दृश्यों की प्रशंसा कर सकते हैं, जब सबसे उपयुक्त समय अभी भी हर साल अप्रैल से सितंबर तक है। इस समय यहां का मौसम उच्च तापमान, भरपूर धूप और साफ और सुंदर नीले समुद्र के साथ बेहद आदर्श है, जो पर्यटकों की तैराकी या खेल गतिविधियों के लिए बहुत सुविधाजनक है। शेष महीनों में दानांग का मौसम थोड़ा बदल जाएगा, लेकिन यह माइके को किसी भी तरह से कम सुंदर नहीं बनाएगा।
ग्रांड कुन्हाद्रांग समुद्र तट शहर के केंद्र स्थान और साफ नीले बंदरगाह के साथ ग्रांड कुन्हाद्रांग समुद्र तट एक शानदार जगह है जहां आपको तटीय शहर नुहाद्रांग आने पर निश्चित रूप से जाना चाहिए। विश्राम के लिए सबसे अच्छा समय और उपयुक्त मौसम जुलाई से सितंबर है, इसलिए आपको नुहाद्रांग आने और ग्रांड कुन्हाद्रांग में मौज मस्ती करने के लिए इस मौसम को चुनना चाहिए। समुद्र तट पर स्थित एक शांत शहर के साथ दुनिया की सबसे खूबसूरत खाड़ियों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त नुहाद्रांग थान हुआ का केंद्र है, जो अग्रभूत और पक्षियों के घोंसले की भूमि के रूप में जाना जाता है। नुहाद्रांग पर्यटकों को आकर्षित करता है। अभी अभी जागने वाली सुबह के समुद्र पर सूर्योदय, अगर आप थोड़ा जल्दी बाहर निकलेंगे तो आपको पूरे शहर के साथ नए दिन का स्वागत करने का एहसास होगा। समुद्र तट युवा पुरुषों और महिलाओं के लिए डेटिंग का स्थान हो सकता है, साथ ही दोस्तों, परिवार और पड़ोसियों के लिए मिलने का स्थान भी हो सकता है। कभी कभी लोग एक दूसरे से अपने स्वास्थ्य के बारे में कुछ सवाल पूछने के लिए समुद्र तट पर जाते हैं, लेकिन अचानक उन्हें लगता है कि प्रकृति लोगों को और भी करीब लाती है। नुहाद्रांग बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए हर किसी से मिलना अजीब और परिचित दोनों लगता है, लेकिन नुहाद्रांग में ग्रांड फू समुद्र तट को वियतनाम का सबसे खूबसूरत समुद्र तट भी माना जाता है। माननीय में रुत फुकोक, वास्तव में फुकोक द्वीप के दक्षिण में दो माननीय मई रट द्वीप हैं, आंतरिक माननीय मई रट और बाहरी माननीय मई रट, लेकिन सबसे सुंदर अभी भी आंतरिक माननीय मई रट है। यात्रा ब्लॉग को समुद्र तट के बाहर होन मई रट के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह केवल एक छोटा सा क्षेत्र है और इसमें बहुत सारी चट्टाने हैं, इसलिए जो लोग यहाँ आते हैं वे मुख्य रूप से मूंगा देखने के लिए गोता लगाते हैं। सबसे सुंदर अभी भी होन मई रट है, जिसका समुद्र तट बेहद सुंदर है, काफी लंबा और प्राचीन है, जिसमें फुकोक द्वीप पर मोंग ताई द्वीप की तुलना में कई अधिक दिलचस्प बिंदु हैं। होन मई रट एंटोय द्वीप समूह होनफ्रॉन्ग कम्यून फुकोक जिले के दक्षिण में स्थित बड़े द्वीपों में से एक है। कियांगकियांग प्रांत, यह फुकोक द्वीप पर पाए सबसे खूबसूरत छोटे द्वीपों में से एक है और पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है, इसलिए माननीय मई रट भी वियतनाम के सबसे खूबसूरत समुद्र तटों की सूची में है। आप साल के लगभग किसी भी समय होन मई रट जा सकते हैं। बेशक आपको तूफानी दिनों में नहीं जाना चाहिए क्योंकि लहरें बहुत खतरनाक होंगी, विशेष रूप से यदि आप रोंगी से जाते हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही है तो भी आप सामान्य रूप से होन मई रट जा सकते हैं, क्योंकि फुकोक कई अन्य प्रांतों से इस मायने में अलग है कि यात्रा का मुख्य साधन बड़ी नावें हैं, जो अन्य स्थानों की तुलना में बहुत बड़ी हैं, जहां आप अक्सर जाते हैं नुहाद्रांग के लिए। नुहाद्रांग ग्रांड समुद्र तट, नुहाद्रांग के बारे में बात करते समय लगभग हर किसी को इस मध्य क्षेत्र में पहले खूबसूरत समुद्र तट याद आते हैं और ग्रांड समुद्र तट भी उन समुद्र तटों में से एक है। आप न केवल ठंडे साफ पानी में तैराकी का आनंद ले सकते हैं, बल्कि यहाँ वहाँ की प्रसिद्ध मनोरंजन गतिविधियों के साथ चरम आनंद की अनुभूति भी कर सकते हैं। नुहाद्रांग खाड़ी में स्थित 500 मीटर की तटरेखा के साथ होन मई के रोमांटिक द्वीप पर स्थित वियतनाम का यह सबसे खूबसूरत समुद्र तट अपने नीले पानी के साथ अलग दिखता है। एक तरफ एक प्राचीन सफेद रेत वाला समुद्र तट है, दूसरी तरफ पहाड़ी बादलों के परिदृश्य के बीच एक बजरी वाला समुद्र तट है, जिसके चारों ओर एक जंगली लेकिन कम मासूम दृश्य नहीं है। यहाँ आकर आपके पास बेहद साफ नीले समुद्र के पानी के नीचे गोता लगाने, लहरों को घेरने, धीरे धीरे किनारे तक पहुँचने या रेतीले समुद्र तट पर टहलने, रेत पर धूप में लेटने, बादलों और आकाश को देखने के लिए घंटों का समय होगा। पहाड़ की चोटी पर गहरी हवा और हरे नारियल के पेड़ों की आवाज सुने या बजरी वाले समुद्र तटों पर चलें, अपने पैरों से गुजरते हुए कंकड़ की ठंडी सांस को महसूस करें। हालांकि अगर सूरज अपने चरम पर है तो टहलने न जाएं। कंकड़, क्योंकि उन पर सूरज की रोशनी पड़ती है, आपके पैर गर्म महसूस होंगे। क्यों समुद्र तट, प्रकृति ने क्यों को समुद्र तट को पसंद किया है, जहां सुनहरी रेत की एक पट्टी समुद्र को गले लगाती है, एक घुमावदार रेशम की पट्टी की तरह एक नरम चाप बनाती है जो नीचे तक साफ नीले पानी को कवर करती है। पर्यटक इस स्थान को प्रकृति द्वारा प्रदान की गई राजसी जंगली सुंदरता से अभिभूत हो जाएंगे। क्यों की भूमि को प्रकृति ने सुंदर परिदृश्यों से आशीर्वाद दिया है जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। केवाई को समुद्र तट, क्यूवाई एनएचओएन शहर से 20 किलोमीटर कम्यून में पोंग माई पर्वत के तल पर स्थित है, एक ऐसा गंतव्य जिसका कभी भी पर्यटन के लिए उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन यह समझ में आता है कि केवाई को समुद्र तट अभी भी अपनी प्राचीन उपस्थिति को बरकरार रखता है। ताजी हवा, ताजी जलवायु, सुंदर दृश्य, मैत्रीपूर्ण और मेहमान नवाज स्थानीय लोग, वियतनाम का यह सबसे खूबसूरत समुद्र तट पर्यटकों के लिए अद्भुत अनुभव के लिए एक आदर्श विकल्प है। जब आप द्वीप पर पैर रखेंगे तो आपकी आंखों के सामने एक सफेद रेत का समुद्र तट दिखाई देगा, जो चट्टानी पहाड़ों के नीचे कई अलग अलग आकृतियों और आकारों की चट्टानों के साथ फैला हुआ है,
अंतहीन रूप से फैला हुआ है। चट्टाने हमेशा सीधी होती हैं, जिससे दृश्यावली राजसी और काव्यात्मक दोनों होती है। ट्रुओंग फुकवोक समुद्र तट। फुकवोक द्वीप के दक्षिण पश्चिम में खूबसूरत समुद्र तटों में से एक है। यहाँ सुनहरी रेत वाले समुद्र तट और कई अलग अलग रंगों वाला साफ नीला समुद्र का पानी एक चाप में फैला हुआ है, कभी नीला कभी जेर। समुद्र की गहराई में चिनार के पेड़ों की पहाड़ियाँ हैं और प्राकृतिक नारियल वनों की एक विविध प्रणाली। ट्रुओंग फुकवोक समुद्र तट में कई छोटे समुद्र तट हैं, जो चट्टानों और पेड़ों से जुड़े हुए हैं। यहाँ का प्राकृतिक परिदृश्य बेहद जंगली और शांतिपूर्ण है। समुद्र 20 किमी लंबा है और इसे ट्रुओंग द्वीप कहा जाता है, क्योंकि यह द्वीप का सबसे बड़ा पर्यटक क्षेत्र है, जो फुकवोक पर सबसे लंबी तटरेखा के साथ डोंग डोंग शहर में स्थित है। 20 किलोमीटर लंबा है। आप ट्रुओंग फुकवोक समुद्र तट पर जा सकते हैं, सूर्यास्त देखने के लिए दिनहकाऊ क्षेत्र में घूम सकते हैं। पार्किंग स्थल पर सड़क विक्रेता बेहद सुगंधित ग्रिल्ड खाद्य पदार्थ बेच रहे हैं। समुद्र में तैरने और खाने के बाद आप जल्दी से ऊर्जा प्राप्त करेंगे। अपने अगले के लिए यात्रा माननीय मुन नेहसरंग तट से लगभग 3 किमी दूर, नाव से लगभग 3 मिनट की दूरी पर आपको मुन मुन दिखाई देगा। लगभग 1.2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ यह देश का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र है। विशेष रूप से इस जगह में गर्म और का मिश्रण है ठंडे पानी की धाराएं, इसलिए माननीय मुन दुनिया में मूंगा और दुर्लभ सजावटी मछली प्रजातियों की हजारों प्रजातियों के विकास के लिए एक एकीकृत स्थान है। माननीय मुन अपने काले पत्थरों के साथ अलग दिखता है। अंग्रेजी फुटबॉल में ऊंची और खतरनाक चट्टानों को आमरूद की तरह काला कहा जाता है। यहाँ की चट्टानें वैसी ही हैं और चट्टानें तटीय शहर के एक विशिष्ट पक्षी स्विफ्ट लेक के घोंसले के स्थान है। विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय समुद्री जीवों के मूंगे और हुन मुन वियतनाम में सबसे अधिक मूंगा उत्पादन वाला स्थान है, जिसे विश्व वन्यजीव कोष द्वारा वियतनाम में सबसे अधिक समुद्री जैव विविधता वाला क्षेत्र माना जाता है और इसे वियतनाम के शीर्ष सबसे खूबसूरत समुद्र तटों में स्थान दिया गया है। विह हाईवे मिन्हकुआन फानरन मिन्हकुआन के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है, जहां लगभग हर कोई अपने जुनून को संतुष्ट करने के लिए एक बार जाना चाहता है। वह विन्हाई खाड़ी है, जो निन्हथुआन में एक विस्फोटित खाड़ी है, जिसे मध्य क्षेत्र के पहाड़ी और भूमध्य सागरीय परिदृश्यों की जल रंग पेंटिंग के रूप में जाना जाता है। यदि आप विन्हाई खाड़ी की यात्रा करना चाहते हैं, तो आपको घाट पर एक क्रूज जहाज किराए पर लेना होगा, फिर खाड़ी की यात्रा करें। यदि आप बड़ी संख्या में जाते हैं, तो आप एक निजी नाव किराए पर ले सकते हैं। यदि आप छोटी यात्रा के लिए जाते हैं, तो आप अधिक लोगों से जुड़ सकते हैं। निन्हथुआन में कई खूबसूरत परिदृश्य हैं, जिन्हें नकारा नहीं जा सकता है, और यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं, तो वियतनाम की दूसरी खाड़ी विन हाईवे एक अच्छा उदाहरण होगी। विशेष रूप से धूप और हवा से भरी एक जगह की कल्पना करें, जिसमें बारिश की कमी है, लेकिन बदले में पानी के रंग की पेंटिंग की तरह एक सुंदर खाड़ी है, जो पूरी तरह से पहाड़ों और जंगलों के दृश्यों को जोड़ती है। यहां आकर आपको किस तरह का अनुभव होगा? विन्हाई खाड़ी में आकर आपको मूंगा देखने के लिए कांच के तले वाली नाव लेने या समुद्र में छपने के लिए समुद्र तट पर कूदने का अनुभव होगा। विन्हहंग कैनाल भी शानदार समुद्र तट के तल पर स्थित, एक तरफ राजकीय राजकुमारी पर्वत है और दूसरी तरफ साफ नीला समुद्र है। विन्हहंग द्वीप दूरी पर दिखता है। सभी विन्हहंग कैनाल द्वीप की एक सुंदर काव्यात्मक तस्वीर बनाते हैं। निन्हथुआन से केन्हा बीच तक जाना एक बेहद रोमांचक अनुभव है। आप पहाड़ों जंगलों समुद्र तटों से लेकर खूबसूरत खाड़ियों गांवों और घुमावदार पहाड़ी दर्रों तक कई खूबसूरत दृश्यों की प्रशंसा कर पाएंगे। दर्रे के शीर्ष पर खड़े होकर समुद्र तट को देखते हुए आपको ऐसा लगता है जैसे यहां समुद्र के पानी में ही या ग्रीन पानी के रंग हैं, हल्का पीला सिरोजा और गहरा हरा। विन्हहंग द्वीप तक जाने के लिए केन्हा बीच नावों के लिए शुरुआती बिंदु है। समुद्र तट पर प्रवेश शुल्क 10,000 VND है, जिसमें एक छोटी सेवा है जिससे आप आराम कर सकते हैं और तैराकी का आनंद ले सकते हैं और एक तेज दोपहर में आराम कर सकते हैं, अपने आप को ठंडे समुद्र के पानी में डुबो सकते हैं, अपनी सभी चिंताओं को दूर कर सकते हैं। यदि आप साहसी हैं, तो आप रात भर के लिए एक कैंपिंग टेंट किराए पर ले सकते हैं और समुद्र तट पर बारबेक्यू का आयोजन कर सकते हैं। सुबह सुबह सुंदर सूर्योदय का आनंद लेने का प्रयास करें। हुई एन बैंग समुद्र तट कैंप इन वार्ड के क्षेत्र में स्थित है, जो हुई एन शहर के केंद्र से 3 किमी और दानांग शहर के केंद्र से 22 किमी से अधिक दूर है। साफ नीले समुद्र में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, जगह इतनी ही है कि लोग समुद्र से मिलने वाले आश्चर्यजनक आराम को महसूस कर सकें। 2011 में हुई एन समुद्र तट को बहुत प्रतिष्ठित वेबसाइट CCNGO द्वारा दुनिया के 50 सबसे खूबसूरत समुद्र तटों में से एक के रूप में वोट दिया गया था।
इन बैंक समुद्र तक साफ और शांत है और इसमें छोटी छोटी लहरें धीरे धीरे उठ रही हैं। हालांकि एक प्रसिद्ध समुद्र तट, यह अन्य समुद्र तटों की तरह भीड़भाड़ वाला नहीं है, लेकिन एक बैंक समुद्र तट पर सुरक्षा गार्ड सुरक्षा की जांच करते हैं। यहां पहुंचते ही थकान कम करने के लिए आप समुद्र के पास एक तार की झोपड़ी किराए पर ले सकते हैं। पानी में छींटे मारने के लिए जाने से पहले आप आराम कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको मजबूत भावनाएं पसंद हैं, तो आपको एक सर्पगोल किराए पर लेना चाहिए, वह भावना आपको कभी नहीं भूलने देगी। फार्म वन जो नदी झार प्रांत पर्यटकों को इस शहर की अनोखी विशेषताओं का पता लगाना नहीं भूलना चाहिए, विशेष रूप से फार्म वन रोम समुद्र तट पर जाने का अवसर, जो पर्यटक सेवा सुविधाओं से भरपूर है और प्रकृति द्वारा आशीर्वादित है। सुंदर दृश्य एक अनमोल उपहार है जो धरती और स्वर्ग ने दिया है। इस पर्यटन स्थल पर साफ नीला समुद्र का पानी, उसके चारों ओर लंबी चिकनी सफेद रेत और शरद की तरह सूरज की रोशनी की सुनहरी बूंदें एक साथ मिलकर सबसे खूबसूरत दृश्यों में से एक काव्यात्मक, मोहक और मनोरम तस्वीर बनाती है। कोई इन चाम द्वीप, चाम द्वीप में एक द्वीप शामिल है, लाउ द्वीप, लांग द्वीप, मो द्वीप, कोमी द्वीप, कोको द्वीप, लापेंडर द्वीप, काई सारस। इन द्वीपों पर आबादी लगभग 3000 लोगों की है। यह साल भर ठंडी जलवायु और समृद्ध वनस्पतियों और जीवों, विशेष रूप से समुद्री भोजन और पक्षियों के घोंसले संसाधनों के साथ एक पर्यटन स्थल भी है। चाम द्वीप समुद्री क्षेत्र में मूंगे की चट्टानों को वैज्ञानिकों ने भी काफी सराहा है और संरक्षण सूची में शामिल किया है। अक्सर ठंडी जलवायु के साथ आप अपनी यात्रा के अनुकूल किसी भी समय चाम द्वीप जा सकते हैं। बस इस बात से अवगत रहे कि वर्ष के अंत में क्षेत्र को प्रभावित करने वाले तूफान हो सकते हैं। दानांग से बिहार तक दक्षिण मध्य क्षेत्र, यदि मौसम अनुकूल नहीं है तो आप चाम द्वीप जाने का इरादा रखते हैं, आपकी यात्रा प्रभावित हो सकती है। इलाहाबाद द्वीप, खानहुआ कैम ब्रांड खाड़ी, खानहुआ प्रांत में एक द्वीप है। इलाहाबाद द्वीप को वियतनाम में सबसे पहले सूर्योदय का स्वागत करने का स्थान माना जाता है। यह एक प्राचीन द्वीप है जो ज्यादातर लोगों के सहज पर्यटन से बना है। हाल के वर्षों में इलाहाबाद द्वीप उन कई पर्यटकों के लिए एक आकर्षक पर्यटन स्थल बन गया है जो एक शांत छुट्टी चाहते हैं। आप किसी भी समय इलाहाबाद द्वीप की यात्रा कर सकते हैं। वर्ष के दौरान आदर्श शुरुआती बिंदु मार्च से सितंबर तक होता है और सप्ताह के किसी दिन आता है। यदि आप छुट्टियों पर जाते हैं तो पर्यटकों की संख्या बहुत अधिक होगी, आसानी से छीना जा सकता है। इलाहाबाद द्वीप पर जाएं और सुंदर और रोमांटिक सूर्योदय देखने के लिए जल्दी उठें। द्वीप पर चोरों के लिए बहुत अच्छा है। फ्रांसीसी विरोधी युद्ध के दौरान छोड़े गए ऐतिहासिक अवशेष भी हैं। आप पूरे इलाहाबाद द्वीप और कैम ब्रांड खाड़ी को देखने के लिए एक दिन में लगभग 100 से 1000 BNB पर मोटरसाइकिल किराए पर ले सकते हैं। ऊपर वियतनाम के सबसे खूबसूरत समुद्र तट हैं। इस समय यात्रा ब्लॉग का वीडियो समय समाप्त हो गया है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्ते और फिर मिलेंगे।